इसकी फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है हमको 13,000 लीटर। ना 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 भाई, 13,000 लीटर नहीं, 13 लीटर है ये। 13 लीटर है, 13 लीटर आता है। सॉरी भाई, गलती हो गई, 13,000 लीटर बहुत हो सकता है। अब सुनाने वाला हूँ भाई RS 200 का साउंड। सो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले दो बाइक का रिव्यू, और अभी हमारे पास है भाई RS 200, जो कि ब्रांड न्यू भाई, अभी इसको हुए होंगे ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन उठे हुए, और भाई वन ऑफ द फेव गाड़ी। और उसके साइड में गाड़ी हमारी N160, जो कि राहुल की है। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह, ग्राफिक वगैरह काम है, लेकिन भाई ये जो गाड़ी ना पूरी स्टॉक है और अभी उठी है। देखो भाई, नंबर प्लेट वगैरह भी कुछ नहीं आई, और ये गाड़ी वन ऑफ द फेव मेरी गाड़ी। और भाई E20 BS6 मॉडल है, और इसके स्पेसिफिकेशन बताऊंगा एंड देन उसके बाद उसके बताऊंगा। एंड फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस टाइप की और भी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स हैं भाई, और भी भाई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखते रहने लगे, तो फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिकली बताता हूँ। तो गाइस, ये खड़ी हुई है हमारी RS 200 BS6 सेकेंड वर्जन, और भाई इसका लुक भाई क्या अलग चीज है। मैं आपको सबसे पहले इसका टेल दिखाता हूँ। टेल पोर्शन है ना इसका, इतना ज्यादा पसंद आता है ना मेरे को, लिटरली गाइस इसका टेल देखो। एंड उसके बाद करेंगे ये वाली गाड़ी रिव्यू, अभी हम ये वाली कर रहे हैं, और इसकी ब्रांडिंग वगैरह। एंड भाई क्या तो चीज है, ग्राफिक वगैरह एकदम सही करके रखे। देखो भाई, RS 200 का यहाँ पे आपको ग्राफिक मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद एक पल्सर का लोगो, E20 है ये, एथेनॉल प्लस पेट्रोल 20%। एंड भाई इसका अपने को सबसे मेन चीज़ जो रहती है अपनी पल्सर की, बजाज में जो सबसे मेन चीज़ है वो इसका है भाई मीटर कंसोल। इसकी बात ही अलग है भाई, मतलब इन्होंने इतना सही करके रखा ना, ये जो बीच का एनालॉग है ये इसकी पहचान है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। सबसे पहले तो हम यहाँ से मीटर कंसोल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर मिल जाएगा। देखो, मैं गियर वगैरह चेंज करूँगा तो यहाँ पर चेंज होगा, देखना। ये देखो, ये चेंज हो रहा है अपना, ये मैंने न्यूट्रल का सेकंड गियर डाला, ये होगा। एंड देन इसके बाद भाई इसमें एवरेज मिल रही है हमको 35 किलोमीटर लीटर की, और भाई इसकी एवरेज और ज़्यादा है, मतलब हमारे करण भाई ने चलाई थी तो इसको एटलीस्ट 60 की स्पीड में 40 इसका एवरेज, भाई बहुत बड़ी बात है। एंड और भी चीज़ें बताता हूँ आप सभी को, सबसे पहले मैं टायर दिखाता हूँ। इसकी दूसरी मेरी फेव चीज़ है भाई, ये डेविल आइस भाई, अलग ही लेवल की चीज़। LED फॉग लैंप मिल जाते हैं हमको इसमें, और भाई इसकी जो आंखें हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें मिलता है हमको 100/180 का, और पीछे में मिल जाता है भाई, रेयर में मिल जाता है हमको इसमें 130 का। डुअल चैनल ABS है, वन ऑफ द फेव गाड़ी भाई अभी तक की डुअल चैनल ABS में भाई। इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा सही है, ब्रेकिंग मैकेनिज्म, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको चलाने में। एंड ये जनरेट करती है भाई हमारी 24.5 PS की पावर भाई 9750 RPM पे। एंड देन भाई ये टॉर्क जनरेट करती है हमारा कितने, 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क, वो भी करती है हमारी 8000 RPM पे। और भाई इसमें और भी स्पेसिफिकेशन है, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे मीटर कंसोल से। तो यहाँ पे देख सकते हो गियर इंडिकेटर मिल जाएगा हमको, तो मैं यहाँ पे गियर वगैरह चेंज कर रहा हूँ, तो ये देखो भाई चेक करो, ये हम गियर चेंज कर रहे हैं तो ये इंडिकेट हो रहा है। एंड देन इसके बाद बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि भाई बैटरी इंडिकेटर वगैरह है, ABS है, डुअल चैनल ABS है, एवरेज मीटर है, लाइव एवरेज मीटर इसमें मिल जाता है। एंड देन और भी कुछ कुछ हो सकता है यार, मैंने तो अभी चलाई है इसको फर्स्ट टाइम, देखते रुको। यहाँ पे ट्रिप मीटर मिल जाता है अपने को, और भाई बजाज जाना जाता है इसकी रिलायबिलिटी के लिए। 200 cc की बाइक भाई क्या, मैंने इसको अभी चलाई थी, 170 तो मैंने नॉर्मल रोड पे लगाई थी। इसकी स्पीड भाई बहुत तेज है, और इंजन रिफाइनमेंट तो भाई अलग ही लेवल की चीज़ है। एंड देन उसके बाद मिलता है इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, और भाई ये जनरेट करती है अपनी टॉर्क, कितना जनरेट करती है, 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क 8000 RPM पे भाई, बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। और क्या लगता है ये RS अपनी R15 V3 को हरा पाएगी, इसकी ड्रैग लेके आने वाले हम लोग, एंड देखते हैं कैसा क्या होता है। और ये गाड़ी अपने करण की, करण भाई आ जाओ, कितने की पड़ी है गाड़ी? ये गाड़ी पड़ी है एक्सोरूम प्राइस इसका 2,04,000 रुपये। 2,04,000 रुपये का एक्सोरूम, चलाने में कैसी है? चलाने में बेस्ट है गाड़ी, बजाज की पहली गाड़ी मेरे को ऐसा लग रहा है जो RS से निकाली है पहले से, और अभी इनकी RS में बहुत कंपेयर है, मतलब बहुत मस्त है ये। ब्रेकिंग सिस्टम इतना प्यारा है, 142 टॉप स्पीड मैंने अभी तक लगाई है इसकी भाई, 142 ही लगा दी भाई ने। तो गाड़ी चलाने में मतलब एक फील आती है ना अपने को, वो आती कि नहीं आती? मतलब बहुत ज़्यादा आती है भाई, मैंने चलाई थी लिटरली भाई, मेरे को तो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, सोचा था और दूर ले जाऊँ गाड़ी को, कोई अच्छी सी बड़ी सी लोकेशन पे लगाते, लेकिन भाई हमको जगह मिल गई। एंड देन हमको थोड़ा वगैरह काम है। तो तूने मॉडिफिकेशन क्यों करा इसमें ये बता? पहली बात तो तू मुझे सोचे मैं सोट के ले आया, मैं कुत्ते जैसी शक्ल हो रही है भाई, सो रहा था यार मैं, शक्ल चेक करूँ लोंडे की भाई, सो रहा था तू सोते में उठा के ले आया, मुझे शर्म नहीं आती तुम लोग। क्यों कराए ग्राफिक्स पे? अच्छा तू बता, ये पसंद है? ये पसंद है
भाई देख पावर के नाम पे तो मुझे जी900 पसंद है, लेकिन मेरी गाड़ी भी मुझे मेरी गाड़ी भी जी900 से कम नहीं है भाई, मैं उसको चलाता भी जी900 की तरह हूँ। एक बार ट्राई करो पता चलेगा, एक बार ट्राई करने के बाद। नहीं मैं दोनों ट्राई करूंगा, उस दिन चलाई है मैंने उसको भी, टॉप मार के देखना, टॉप मारी है मैं तो भूल जाओगे। अरे खुद ही लड़ रहे हैं वो। हाँ तो भाई ये वाली गाड़ी का रिव्यू लेना वाले, तो यार ये गाड़ी लिटरली वन ऑफ द फेव हो गई मेरी, अभी चलाई थी मैंने भाई, क्या चीज है यार। ग्राफिक वगैरह ज्यादा कुछ नहीं है, अच्छे ग्राफिक मिलते हैं, जैसे भाई यहाँ पे RS 200 की ब्रांडिंग मिल जाती है हमको, एंड ये जो इसका टेल पोर्शन है भाई लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव चीज़ यार, अभी तक नहीं बनी होगी। एंड इसमें इंडिकेटर मिल जाते हैं हमारे, उसके बाद एक साउंड, भाई साउंड यार साउंड तो सुना ही नहीं है। न्यूट्रल करो भाई, अब सुनाने वाला हूँ भाई RS 200 का साउंड, तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं एंड देन सुनते हैं इसका साउंड। ये हमने मारा किल स्विच भाई, एग्जॉस्ट नोट देखो भाई साहब, है ना तगड़ी चीज। भाई दुख तो नहीं हो रहा अंदर से? नहीं नहीं इसकी फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है हमको 13,000 13 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है। मुझे लग रहा है कि तुझे प्यार हो गया गाड़ी से। प्यार तो हो गया गाड़ी से तो करता हूँ, और कौन से करता हूँ। अभी कुछ ज्यादा क्रश बैठ रहा है, तो शादी करा दो मेरी उसके साथ। शादी तो हम करा भी देंगे, बेचारा वो क्या करेगा फिर। अरे ऐसा नहीं करना, उसको दहेज में दूर से दे दूंगा मैं। अरे मैं खुद नहीं खरीद दूंगा मैं। यार गाइस ये फर्स्ट टाइम मैंने रिव्यू करा था बाइक को, एंड देन मुझे इतना कोई ज्यादा नॉलेज वगैरह नहीं इस रिलेटेड कि भाई कैसे क्या रिव्यू वगैरह करते हैं, जितना करा उतना ठीक है। एंड गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, इस टाइप के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ब्लॉग्स देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई करण भाई को फॉलो कर लेना, इनकी बाइक है और इनको सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नेम बताएं आप, MP Rider 2.1 करके यूट्यूब पे मेरा चैनल है, और मिस्टर पटेल इंस्टाग्राम पे। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और भाई शेयर वगैरह कर देना, इतना कोई ज्यादा मैंने रिव्यू नहीं दिया, जितना मुझे पता था नॉलेज वगैरह था उतना मैंने दे दिया। एंड देन यहीं पे करते हैं वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत मेहनत लगती है इन सब करने में ना, और इसके बाद करने वाले हम ये वाली गाड़ी रिव्यू। तो मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो, अच्छे से राइड वगैरह करने, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।